एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनरबानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है ट्रेजर चेस्ट की एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, द एलिवेटर। हाँ, ये एक स्टोरी है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह पर कैद होने का डर। ये एक फिक्शन है, एक स्टोरी जिसमें एक बच्चा जिसे डर लगता है और उसके पिता उसे मदद नहीं करते हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका थीम है इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ अ सेंसिटिव बॉय बाय एन इनसेंसिटिव फादर। मतलब एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि 12 साल का है, मार्टिन उसका नाम है। डरा डरा सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है और इसके पिता कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसा क्यों है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं और डिटेल में समझते हैं, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी समझने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहानी शुरू होती है मार्टिन के साथ। मार्टिन एक पतला दुबला सा 12 साल का बच्चा है और इसे हमेशा लिफ्ट से डर लगता है। इसे डर लगता है कहीं लिफ्ट गिर ना जाए, इसे डर लगता है कि लिफ्ट कहीं रुक ना जाए और मैं लिफ्ट के अंदर ट्रैप ना रह जाऊं। और तो और उसे लिफ्ट में दूसरे व्यक्ति के साथ रहना भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है जब व्यक्ति लिफ्ट में रहते हैं तो लिफ्ट में इधर उधर देखते रहते हैं बेवजह ही। तो लिफ्ट से उसका डर जो है वही इस कहानी का मेन थीम है। मार्टिन के पापा एक नई प्लेस पर सेटल हो गए हैं। ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें पुरानी से लिफ्ट है और इनका फ्लोर है 17th फ्लोर में इनको अपार्टमेंट मिला है। इस बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो बहुत डरावनी है। डरावनी क्यों है? क्योंकि इस बिल्डिंग की लिफ्ट पुरानी है, इस बिल्डिंग की लिफ्ट में प्रॉपर लाइट नहीं है, लिफ्ट की जो वॉल्व्स हैं वो डर्टी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिफ्ट का जो डोर है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, जल्दी से बंद हो जाता है और जब बंद होता है तो तीन आवाज। मार्टिन वैसे ही लिफ्ट से डर लगता है। मार्टिन सीढ़ियों से क्यों नहीं चलता है? 17th फ्लोर, 17 फ्लोर तक अगर किसी को जाना हो सीढ़ियों से तो मार्टिन की सीढ़ियां भी इक्वली बैड है और इक्वली स्केरी है। सीढ़ियों में प्रॉपर लाइट नहीं है, इसीलिए वो सीढ़ियों से भी नहीं चलता है। मार्टिन की जो लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में उसे जाना होता है, उसमें सिर्फ 3 लोगों की जगह है, और कई बार जब 2 लोग भी लिफ्ट में आ जाते हैं तो भी लिफ्ट भरी भरी सी लगती है। स्कूल से अलौट रहा था और वो स्टेयर्स से चलता हुआ अपने 17th फ्लोर पहुंच गया। क्यों स्टेयर्स से? क्यों बताया था, लिफ्ट से उसे डर लगता है। अब उसकी सांस फूल रही है बहुत तेजी से, बहुत तेज सांस ले रहा है। उसके पापा ने उसे डांटा, Why didn't you came to elevator? कुछ लिफ्ट से क्यों नहीं आए? उसके पापा उसे डांटना शुरू कर देते हैं बिना उसकी बात सुने। उसे कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, और तो और तुम तो खेल में भी अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुम कायर हो। मार्टिन ये सब सुनता रहता है। मार्टिन को लगता है कि पापा उसके फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उसे लिफ्ट यूज करने की, तो हो सकता है डर की वजह से वो लिफ्ट का यूज करने का आदि हो जाएगा। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसे लिफ्ट का डर उसके मन से कभी नहीं गया, क्योंकि लिफ्ट में जाने पर उसे एक अजीब सा डर घेर लेता था। उसे लगता था कि कहीं लिफ्ट गिर तो नहीं जाएगी, या उसे लगता था कहीं लिफ्ट बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी, और उसे कई बार अकेले ना रहकर किसी के साथ रहने में भी डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि साथ रहते भी हैं हम लिफ्ट में पर हम इधर उधर देखते रहते हैं, स्टेयरिंग एट नथिंग। तो उसे लिफ्ट पसंद नहीं है। आज उसे लगता है कि पापा अगर मजबूर कर रहे हैं लिफ्ट में चढ़ने के लिए तो हो सकता है मेरी आदत बन जाए, जैसे स्कूल में बच्चे मुझे बुलिंग करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे मुझे ताने कसते हैं, तो मुझे सुनने की अब आदत सी हो गई है, तो हो सकता है एक दिन मुझे लिफ्ट में चलने उतरने की भी आदत सी पड़ जाएगी। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो एक दिन वो लिफ्ट से उतर रहा होता है नीचे, तो 14th फ्लोर, याद रखिएगा 17th फ्लोर में रहता है मार्टिन, 14th फ्लोर में लिफ्ट रुकती है और एक मोटी कपड़ी उसके अंदर एंटर। वो जो मोटी लेडी होती है उसने ग्रीन कोट जो कि बैलून सा होता है, मतलब खूब फैला सा होता है ग्रीन कोट, वो पहन रखा होता है जो कि मार्टिन को टच कर रहा होता है। लिफ्ट छोटी है याद रखिएगा, मार्टिन सरक कर कोने में चला जाता है। इस लेडी के गाल बड़े बड़े फ्लैशी चीक्स हैं और बड़ी गर्दन है। इस लेडी की आंखें छोटी हैं पर बहुत शार्प हैं, और वह लेडी के एंटर करने पर मार्टिन डर जाता है। लेडी लगातार मार्टिन को घूरती रहती है जैसे लगता है कि बोर कर जाएगी। मार्टिन
इससे बोलता नहीं है, पर वो सोचता है कि लेडी मुझे घूर क्यों रही है, और ये लेडी है कौन, ये लेडी आई कहां से है, मैंने पहले कभी इस लेडी को नहीं देखा। वह अभी बहुत सारी चीजें मन में सोचता है पर लेडी से बात नहीं करता है। वो मजबूर होता है कि लिफ्ट से उतर भी नहीं सकता, क्योंकि लिफ्ट में जो लेडी होती है वो उसकी उसकी जो ड्रेस होती है, उसका जो कोट होता है, मार्टिन को ब्रश कर रहा होता है, पूरी बॉडी को उसको टच कर रहा होता है। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट रुकती है, लेडी बाहर निकलती है और लॉबी की तरफ मूव कर जाती है। मार्टिन जैसे लगता है कैद से आजाद हो गया, एकदम भाग पड़ता है स्कूल तक, बिना रुके डायरेक्ट दौड़ते हुए स्कूल चला जाता है। वहां पर भी वह इस फैट लेडी के बारे में सोचता रहता है कि आखिर ये फैट लेडी कहां से आई इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग तो मैं तो कहीं देखा नहीं मैंने इस लेडी को। अब स्कूल से लौट चुका है मार्टिन, थोड़ा नर्वस है, परेशान है, और वापस लिफ्ट में करता है, पर मन में ये भी सोचता रहता है कि मैं इस लेडी से, जो कि एक बूढ़ी लेडी है, इससे मैं डर क्यों रहा हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। वो लिफ्ट में एंटर करता है और उम्मीद करता है कि लिफ्ट उसे 17 फ्लोर तक ले जाएगी। याद रखिएगा 17 फ्लोर में मार्टिन रहता है, और थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट आके रुकती है, और जो डर था वही हुआ। जानते हैं वो फैट लेडी जो उसे घूर रही थी मॉर्निंग में, वही लेडी लिफ्ट में एंटर। मार्टिन उसे धीरे से आवाज में कहता है कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। लेडी को यह कहने के लिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसने सोचा लेडी मना कर देगी क्योंकि लेडी को नीचे जाना है, पर लेडी अपनी गर्दन हिलाती है, नॉड करती है और लिफ्ट में घुस जाती है। मार्टिन को तो जैसे लगता है कि एक बुरा सपना जो था वो सच हो गया। मार्टिन वैसे ही डरता था, और आज वो फिर से उसको क्या कर रहा है, उसी लेडी का सामना करना पड़ रहा है। मार्टिन कुछ नहीं कहता है बल्कि किनारे सरक जाता है। इस बार मार्टिन मनी मन सोचता है कि अरे मैं 7th फ्लोर में लिफ्ट को रोक दूंगा, और 7th फ्लोर के बाद बाकी आधा रास्ता मैं ऊपर चला जाऊंगा। और मनी मन ये भी सोचता है कि ये लेडी मॉर्निंग में 14th फ्लोर से चढ़ी थी और फर्स्ट फ्लोर पे आई थी, ये अब थर्ड फ्लोर में क्यों चढ़ रही है, और लेडी ने बटन कौन सा दबाया। लेडी ने 14th फ्लोर का बटन ना दबा करके 18th फ्लोर का बटन दबाया, मतलब सबसे टॉपमोस्ट फ्लोर में लेडी जा रही है। अब मार्टिन दुबका सा है, लेडी उसे घूरे जा रही है, देखे जा रही है, और मार्टिन को लगता है कि मैं लिफ्ट का बटन दबा करके 7th फ्लोर में उतर जाऊंगा और फिर वहां से क्या करूंगा, बाकी सीढ़ी से चला जाऊंगा। पर मार्टिन जब बटन टच करने की कोशिश करता है तो लेडी की बॉडी आ जाती है, तो वो किसी की बॉडी को टच भी नहीं करना चाहता है, बहुत अशेम्ड सा फील करता है, नतीजा वो बटन नहीं दबाता है। कैसे तैसे लिफ्ट पहुंचती है, मार्टिन दौड़ता हुआ अपने फ्लैट में घुसता है, पापा मिलते हैं, उन्हें बताता है, क्योंकि घर में पिता ही हैं जिनको पूरी बात बता सकता है। बोलता है पापा मुझे दो बार एक ओल्ड फैट लेडी मिली, वो एक स्ट्रेंज लेडी थी, क्या आपने उसे देखा है। उस समय मार्टिन के पापा टीवी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं टीवी में ही देखते देखते कि मैंने नहीं देखा है। मार्टिन को लगता है कि मैं पापा को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पापा तो मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरे अंदर की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे। फिर भी उसके पापा को बताता है, पापा उससे और नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं एक औरत के घूरने से तुम डर रहे हो, तुम कब बड़े होगे मार्टिन, कब होगे बड़े, तुम कावड़ हो, तुम कायर हो, तुम्हें बूढ़ी लेडी से भी डर रहे हो। इतना सुनता है मार्टिन को बहुत दुख होता है, पापा से डांट खा चुका होता है और वो अपने कमरे में चले जाता है और वहां जाके रोने लगता है। मार्टिन के पापा ये बात जानते हैं कि मेरा बेटा रो रहा है, और आज मार्टिन ठीक से सो भी नहीं पाता है। सुबह फिर होती है, थिएटर की तरफ पहुंचता है, एलिवेटर पर वो मोटी लेडी होती है, वो मोटी लेडी मुस्कुरा रही होती है एलिवेटर पर। मार्टिन वापस पीछे आता है और स्टेयर्स की तरफ भाग जाता है। उस समय डार्क होता है और वह गिर जाता है, गिरते ही उसकी टांग टूट जाती है। मार्टिन के पापा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं इस बात से कि मेरा बेटा कायर है और उसे अब क्रच लेके चलना पड़ेगा, अब मेरे बेटे को क्रच लेके चलना पड़ेगा क्योंकि टांग टूट चुकी है। मार्टिन अभी भी दुखी नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई तो मेरे साथ रहेगा, और डॉक्टर ने वैसे भी मार्टिन को रेस्ट करने के लिए कहा है, तो उसे लगता है कि ठीक है मेरा लिफ्ट से छुटकारा हो जाएगा, मैं उस फैट वुमन से नहीं मुलाकात करूंगा। अब
मार्टिन के पापा मेरे, मार्टिन को लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ चल रहे हैं तो मुझे अब डर भी नहीं है इस एलिवेटर में जाने का। और मार्टिन के पापा 9th फ्लोर में लिफ्ट को स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं मुझे मिसेज उलमैन से मिलने जाना है। मार्टिन मना करता है कि पापा मत जाइए, तो उसके पापा ये कहते हैं क्या तुम डर गए हो, तुम अकेले डर रहे हो। वो पापा को यकीन दिलाता है कि पापा मुझे भी साथ ले लीजिए, मैं भी चल रहा हूं। पर पापा को कहने के बावजूद वो बटन दबाता है 9th फ्लोर में। तब तक लिफ्ट तो जानते ही है जल्दी से बंद हो जाती है और ढंग से आवाज होती है और लिफ्ट चल पड़ती है। 10th फ्लोर में लिफ्ट फिर रुक जाती है और फिर वही होता है, वो फैट ओल्ड लेडी वहां खड़ी होती है, मुस्कुराती है। वो ओल्ड लेडी लिफ्ट में एंटर कर जाती है। मार्टिन इस समय क्रचेस लिया खड़ा है और वह कुछ नहीं कर पाता है, वह निकलना भी चाहता है बाहर, पर फैट लेडी जब एंटर करती है तो इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो बाहर निकल पाए। और इतनी देर में दरवाजा बंद, लिफ्ट का दरवाजा बंद, तेज आवाज होती है और फैट लेडी मुस्कुरा कर कहती है हेलो मार्टिन, और स्टॉप का बटन दबा देती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको अब बताना है कि क्या आप भी किसी चीज से डरते हैं, क्या तुमको भी किसी चीज से डर लगता है? अगर लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस चीज से डर लगता है। हाँ, लाइफ में जिससे हम डरते हैं, हो सकता है आप कहेंगे मैं मैथ से डरता हूं, मैथ मेरे लगते नहीं, मेरा सॉल्व नहीं होता है। तो जिससे डरोगे उससे मुकाबला करते रहना पड़ेगा और हर बार तुम्हें वो डर तुम्हें सताता रहेगा। सो डर के आगे जीत है, नहीं डू द ड्यू की बात नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं कि आपको अपने डर को जीतना पड़ेगा। चलिए इसी विश्वास के साथ कि मेरे सुपरस्टार्स दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हैं और फियरलेस हैं, मुझे यकीन है कि ऐसी कंडीशंस मेरे सुपरस्टार्स के साथ नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।